डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक आज अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मुजफ्फरनगर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद मेरठ पहुंचे ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार को देखते हुए अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार तक शुरू नहीं कर पाए हैं। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी संभावित हार स्वीकार कर ली है। एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत यूपी में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। अभी तक अखिलेश आदि केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जबकि इस चुनाव के बाद वे सोशल मीडिया से भी साफ हो जाएंगे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह से अपना संबोधन शुरू करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह पीएम मोदी के आभारी हैं। उन्होंने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर न सिर्फ चौधरी साहब बल्कि देश के किसानों व नागरिकों का सम्मान किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। ये उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी धरती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूरे देश के किसानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, मेरठ की तरफ से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है, इस वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव मात्र कुछ दिनों शेष रह गए हैं, द्वितीय चरण का चुनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी संभावित हार को वो पास आती देख करके, स्थितियों से वाकिफ होकर के वो घर में बैठ के ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी होना देख रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहा है, और जो इंडी गठबंधन है उसका पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आज तक उनके कोई भी नेता सड़क पर नहीं निकले हैं, अपनी संभावित हार को वो स्वीकार कर चुके हैं। अखिलेश जी शायद हार के डर की वजह से अवसाद में आ गए हैं और वो बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जी ने जितने भी टिकट यादव समाज को दिए उनके अपने परिवार के टिकट है, और यादव समाज के साथ उन्होंने छल किया है। वोट तो पूरे समाज का लेने का दम भरते हैं, ठेका लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती, टिकट देने की बात आती है, तो यादव समाज को भूल जाते हैं। चार के चारों टिकट उनके परिवार के हैं, चचा भतीजों की पार्टी बना करके अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के जनता को धोखा देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है, इनके परिवार में भी एका नहीं है, चाचा भतीजे को निपटा रहे, भतीजा चाचा को निपटा रहा है। अभी आपने देखा बदायूं में, पहले छोटे भाई को टिकट मिला, फिर चाचा को टिकट मिला, अब चाचा का टिकट बल करके उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ चचा भतीजा की पार्टी है, दूसरी तरफ जीजा साले की और दामाद की पार्टी है, यानी गठबंधन पूरी तरह से अपने अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी वजह से जनता ने इन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर चल रही है, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80-80 सीटों पर जीत रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद हताश और निराश विपक्ष सोशल मीडिया से भी गायब हो जाएगा, अभी अपने आप को सोशल मीडिया तक सीमित रखे हैं।
पहले दूसरे चरण में जब प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगी, ये सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे, सैकड़ों चक्कर उन्हें मिलों के लगाने पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग ढाई लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय का भी किसानों का बकाया मूल्य हमारी सरकार ने उन्हें दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने तय किया कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल हम नहीं लेंगे, उनको शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। 2017 से पहले हालात क्या थे, एक सप्ताह बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी, केवल कुछ जिले वीआईपी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी जिलों को बराबर हक देकर के, बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने किसानों को उनका हक देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो सिंचाई का बिल है वो शून्य हो गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज माफिया समाप्त हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अब माफिया जो पहले लोगों को डराते थे, आज माफिया की पेंट गीली हो रही है। माफिया के अंदर डर कानून का भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट इन। नमस्कार।